वैसे इन कुत्तों का हमला केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं रहता और कई बार यहाँ हायना को अकेले देखकर उसे परेशान करने में लग जाते हैं, क्योंकि शायद उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अकेले हायना को मारना उनके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। जैसे इस एक छोटे से पानी के गड्ढे में एक हायना अकेले बैठा हुआ है, तो वहीं कुत्ते उसे अकेला पाकर उसे सताने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जहां वो हायना खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, तो वहीं कुत्ते बार बार उस पर हमला करके उसे अपनी ताकत का एहसास करवाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे जंगली कुत्ते लाख कोशिश के बाद भी हायना को कोई चोट नहीं पहुंचा पाते। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इतने सारे कुत्तों को सामने देखकर हायना की भी जान में हलक आ ही गई होगी।